ग्रीन सराउंडिंग आर ब्लेसिंग टू अस। अगर हमारे चारों ओर ग्रीनरी और रंग बिरंगे फ्लावर्स हो तो क्या ही बात हो सकती है। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं आपके साथ इन प्यारे प्यारे रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों के साथ करती हूँ। जैसा कि आपको टाइटल देखकर पता चल गया होगा कि ये वीडियो प्लांट शॉपिंग बेस्ड है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और ये पार्सलेन और पार्चुलाका के खूबसूरत फ्लावर मुस्कुराकर आप सभी का स्वागत करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन खूबसूरत फूलों से मिलवाती हूँ जो मेरे फर्स्ट फ्लोर के गार्डन में लगे हुए हैं। सुबह सुबह इनको देखना, इनको निहारना कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह की भाग दौड़ के बाद इनको देखकर मन खुश हो जाता है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो दिन भर की टेंशन और भाग दौड़ में भी हमें सुकून देती है। कैसे लगे आपको मेरे ये सुंदर सुंदर फ्लावर्स, बताइएगा। थोड़ा इन खूबसूरत फूलों को एंजॉय करिए। और इनसे मिलिए, ये है कुंदा, जिसे स्टार जैस्मिन, विंटर जैस्मिन, डाउनी जैस्मिन कई नामों से जाना जाता है। ये जूही की एक वैरायटी है। इस प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग तो देखिए, ये सितंबर मंथ में कितनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रही है। मैंने इसमें कुछ स्पेशल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाला है जो किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए मैं आप सभी को अपनी सितंबर मंथ की प्लांट शॉपिंग दिखाती हूँ। मैंने थोड़ी सी ही शॉपिंग तभी मेरे प्लांट और कितने के और कौन से लिए, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये कोलियस दी प्लांट दिखाती हूँ। मैंने दो कोलियस के प्लांट लिए हैं, दोनों अलग वैरायटी के हैं। मेरे पास कोलियस की और वैरायटी है, ये मुझे 30-30 के मिले हैं। तो सेकेंड प्लांट है ये ब्यूटीफुल हिबिस्कस कॉपरी, ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, अब जाकर ये मुझे मिला है। इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं, देखिए इसकी लीव्स कितनी ही खूबसूरत है, इसमें कितने अच्छे से वेरिएशन है। ये प्लांट ऐसे ही बिना किसी फ्लावर के भी अच्छा लगता है। आई थिंक ये मुझे 50 में मिला है। नेक्स्ट प्लांट है ये हाइब्रिड पिंक हिबिस्कस, ये प्लांट मुझे 100 का मिला है। इसमें पिंक कलर के शेडेड के फ्लावर आते हैं, कल इसमें दो फ्लावर खिले हुए थे जो अभी सूख गए हैं। ये प्लांट चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है जिसे हटाकर मुझे रिपोर्ट करना होगा। और अब मेरा नेक्स्ट प्लांट है ये डबल जैस्मिन, जिसे क्रेप जैस्मिन भी कहते हैं। इसमें बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आती है, कितनी सारी कलियां इसमें लगी हुई हैं और काफ़ी लंबा सा प्लांट है। ये मुझे 50 रुपये में मिला था, बोला तो उन्होंने कुछ और था लेकिन 50 में दे दिया था। और मैंने गुलदाउदी के 10 प्लांट लिए हैं, ये सभी अलग अलग कलर और वैरायटी के हैं जो कि इनकी लीव से ही पता चल रहा है। ये मुझे 15 रुपीज़ ईच पड़े हैं। ये मेरे विंटर सीजन के सबसे फेवरेट प्लांट हैं। मैंने इनकी बहुत सारी कटिंग भी लगा रखी है जिनको रिपोर्ट भी करना है। मेरे कुछ प्लांट और हैं जिन्हें मैंने ग्राउंड फ्लोर पे रखा है क्योंकि ये यहीं रिपोर्ट होंगे और ये डेकोरेशन पर्पस से इंडोर ही रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सा ट्रैवलर पाम है, बहुत तलाश के बाद ये प्लांट मुझे मिला है। इसकी प्राइस 200 रुपीज़ है, बट इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, कोई नहीं, सूटेबल केयर के बाद ये सुधर जाएगा। इसमें न्यू लीव्स भी आ रही हैं। और ये छोटे छोटे रंग बिरंगी लीव्स वाले सिंगोनियम के दो वैरायटी के प्लांट लिए हैं जो कि मुझे 80-80 ईच पड़े हैं।
तो ये रही मेरी छोटी सी शॉपिंग। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब माय चैनल और हिट द बेल आइकन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।